अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो ना सर जी? मेरा काम तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, अब बस सफाई रह गई। और अभी थोड़ा सा बस चिकन को दाना डालूँगा, सफाई तो शाम को ही करूँगा। आपको मैं वैसे शो कराता हूँ, अभी देखें कैसा लग रहा है। सफाई होने के बाद और अच्छा लगेगा। लें जी, ये होगी है सारी सेटिंग इसकी ख़त्म। ये भी इधर से सारा कचरा उठा दिया, बस ये रह गया थोड़ा सा कचरा। ये कबूतर का सिस्टम सारा सेटअप वो ख़त्म हो गया। अभी इनको ये बेबी ऊपर आया, वो ऊपर बैठ गया आके, ये सब भी जिन बाहर आया हूँ। अभी इनका ये व्यू ना बहुत अच्छा रहेगा बैठने के लिए। ये बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचा है। और उस डंडे को भी थोड़ा सा आगे करूँगा ना तो सेट हो जाएगा। और पौधों का भी सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी जिनको नए तोड़े लगाने से लगा दिए, जो ख़राब थे वो उतार लिए हैं। अभी ये देखें ये कचरा, आप इधर से देखेंगे ना, इधर से आपको अभी लगेगा कि वाकई में अच्छा लग रहा है। उधर का तो वैसे ही है, तोतों वाली साइड पे ये चीज़ खाली होगी सामने वाली। उधर मैंने सोच लिया क्या लगाऊँ, वो आपको मैं बाद में शो कराऊँगा। और ये सारा ये कचरा उठेगा। और अभी इधर जो कचरा था सारा, वो मैंने अंदर डाल दिया। इसमें जालियाँ हैं, बोतलें हैं, ये काम आती हैं कभी कभी। और ये भिंडी हैं, अभी गर्मी बहुत है ना, शाम तक ठीक हो जाएंगे। अभी चिकन को मैं थोड़ा सा ज़रा दाना डाल लूँ। इनके लिए थोड़ी सी घास लाई थी, ये देखें पुदीना कितना हरा हुआ है। आओ जी चिकन मास्टर, ये सारा गंद भरा हुआ है, कल तक ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी घास है इसमें, और ये है मकई और फीड है। ये घास बस थोड़ी सी हाजमे के लिए लगाते हैं ताकि ठीक हो जाए। सेंडर चेंज कर लो, आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, देखें इस्तकबाल करते हैं। अभी तो साउंड काफ़ी चेंज हो गया इनका, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। चलो जी चलो चलो चल ना, ये लगता है अंडे पे आई हुई है इसलिए ऐसा कर रही है। नहीं अभी है टाइम, अभी सबका अंडे पे आने का टाइम, दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह 10-15 दिन और देंगी अंडा। ये मैंने कल इनका ना, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये कल मैंने बॉक्स बनाए थे इनके ताकि अंडे के लिए। ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बनाया है क्योंकि इनको आदत होती है ना छुप के बैठने के लिए, क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं। अभी देखे ना इनका साउंड, अभी पंखा भी लगा देता हूँ इनको दाना डालने के बाद। लो जी आपकी घास, और फिर फीड डाल दूँ मैं थोड़ी सी। चलें आपको बाहर निकल कर बताता हूँ, शोर बहुत कर रही है। ले जी बाहर तो आ गया हूँ, अभी मुझे वैसे भिंडियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, मैं सोच रहा हूँ उसी को उतार लूँ, बेहतर है, बहुत हैं। इसको मैं उतार के आपको बताता हूँ। उसके बाद तोतों को थोड़ा सा फ्रेश बाजरा लेके आया था वो दिखाता हूँ आपको, वो डालूँगा, घास डालूँगा, साइलर शाम को डालूँगा। आज के लिए भाई यही शो कराना था, तो काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। बाकी और बंटी के नाखून काटने हैं, बंटी ने आज मुझे स्क्रैच मारा है बहुत पूरा, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखें जी ये बंटी के काम है, बंटी अब भरी हो रही है ना तो मस्तियाँ करती है और स्क्रैच मार देती है। चलें भिंडियाँ उतारूँ, काफ़ी भिंडियाँ हैं। उसके बाद तो तुमको थोड़ा सा वो दाना डाल के बातें करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लें जी ये थोड़ी सी मिर्चें हैं और एक छोटा सा टमाटर है। अभी टमाटर का सीज़न आएगा ना तो बड़े बड़े हो जाएंगे, अभी छोटा है।
क्योंकि अभी इसकी पनीरी लग रही है और पनीरी लगने के बाद ही ये ने टमाटर उगेंगे। वैसे ये अभी ये ओल्ड था ना तो इन्हें ऊपर आ गए रूट और ये छोटे छोटे टमाटर आ भी गए। अभी मिर्ची की भी नई नई वो पौधे उग रहे हैं वो लगेंगे और मगर ये पुराने हैं ना तो मगर मैंने उतारे नहीं थे ना चल रहे हैं खाद डाली थी अच्छे से चल रहे हैं। अभी नई टमाटर आने से पहले मेरे टमाटर आ जाएंगे ये देखें सब आ जाएंगे। और ये बाजरा गिरा हुआ था थोड़ा सा वो उग गया फ्रेश बाजरा ये तोतों को डाल दूंगा और थोड़ी सी घास है वो डालूंगा और अपने मिठू को भी निकालेंगे थोड़ा सा बाहर। हाँ भाई इंजॉय हो रहा है हाँ तेरा क्या मसला है। जी जी पता है आ रहा हूँ ले जी इसको तो मैंने इधर अभी रखा है अभी डालूंगा नहीं अभी थोड़ी सी तोते के साथ बातें करेंगे फिर नीचे चलेंगे। ये कोपैल बॉक्स नहीं ले रहा इसके लिए मुझे लगता है वो हंडी नहीं होती कुछ टाइप वो लानी पड़ेगी ये फिर बॉक्स लेगा। चल आना तू तो बाहर आ चल आ जा हाँ हाँ बोलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यार से आता है। हाँ भाई क्या हो रहा है सीधा कंधे पे आके बैठेगा चल कंधे पे आ। हाँ भाई क्या हाल है ठीक है मिठू मिठू बोल रहे वो आ रहा है पंखा लगा दो गर्मी बहुत है लगाऊं मगर पंखे का शोर होएगा बहुत ज़्यादा। चल तूने मिर्ची खानी है आज फ्रेश मिर्ची हाँ फ्रेश मिर्ची खा लो आज और थोड़ा सा तुम्हें बाजरा भी डालूंगा और घास भी डालूंगा घास खाएगा हाजमे के लिए अच्छी होती है घास खानी है या नहीं वैसे है फ्रेंडली ये तोता चलें इनको मैं थोड़ा सा घास डालूं। चल तू शुरू हो जा बस साउंड देखें इसका ले जी ये इनका हिस्सा डाल दिया बाजरा थोड़ा सा घास और मिर्ची